पूरी कवि आज शुभम नर्सरी यहाँ मैं आया हूँ और अभय वाजपेयी जी हैं और सारे हम लोग मित्र हैं गौरैया बचाने के लिए। और ये बताने जा रहा हूँ कि पूरे विश्व में गौरैया दिवस आज मनाया जा रहा है। अब तो लोग पूछते हैं कि हमारे यहाँ गौरैया नहीं आती है, लेकिन हमको कहते हैं कि चूचू करती गौरैया रानी, चूचू करती गौरैया रानी, मुझे भी दे दो दाना पानी। सबको सुबह जगाती हूँ और घर घर सबके जाती हूँ, और मुझसे सीखो गाना गाना और सबके घर भी आना जाना, और जब घर बाहर दाना पानी तब आवे गौरैया रानी। देखिए यहाँ पेड़ पौधे भी है, यहाँ देखिए एक बैनर भी है कि पेड़ पौधे मत करो नष्ट, सांस लेने महुआ कर। तो आपको बतावे कोरोना अभी आया था तो सांस सभी की चलती है पेड़ों के रहने से, और गोता सभी लगाते हैं नदियों के बहने से, और हवा पानी जब स्वच्छ रहेगा तब जीवन चल पाएगा, और पेड़ लगाकर देखो भैया अच्छा दिन आ जाएगा। तो आज हम लोग ये संकल्प लें कि गौरैया को बचाने के लिए, और गौरैया के हम अपने को बचाने के लिए भी, जब तक प्रकृति की रक्षा नहीं लगेंगे, पेड़ पौधों को नहीं लगाएंगे, तब तक भला नहीं होने वाला है। एक गंगा माई का क्षण सुना देता हूँ, फिर वाजपेयी जी से कहूँगा कि अपना जो है वो भी जो है कुछ सुनाएंगे कि गंगा माई कह रही मुझको बचाओ आज, कैसे मैं बचूंगी अब सोचो पल पल में, मल मूत्र का चारे को मुझु में मिलाओ मत, तभी जाके बचूंगी मैं आने वाले कल में, मेरा जल साफ कर सभी लोग मिलकर, नहीं तो फंसेंगे लोग मेरे दल दल में। राजा भागीरथ जब मुझे लेके आए तब कर गए पुरुष समा के मेरे जल में। बोलिए गंगा मैया की, गोमती मैया की, वृक्ष देव भगवान की। अब मैं वाजपेयी जी से कहूंगा कि वो भी जो है कुछ अपने विचार प्रकट करें। मैं लोगों से ये कहना चाहूंगा कि एक पुरानी लोकोक्ति की थी कि भी कहावत है कि जब तक पानी की आखिरी पत्ती मर नहीं जाएगी, पेड़ का आखिरी पत्ता गिर नहीं जाएगा, और जब तक आखिरी का अनाज गिर नहीं जाएगा तब तक इंसान को ये नहीं समझ में आएगा कि वो पैसा खा नहीं सकता, उसमें नहा नहीं सकता। तो प्रकृति की रक्षा करिए, हवा शुद्ध करिए, पानी का अनाज दूषित होगा जहर से, तो वैसे ही पैसा रख के आप कुछ कर नहीं पाएंगे, प्रकृति की रक्षा करिए, बस इतनी बात है। ये आज के दिन जो है इतना सुंदर कार्यक्रम हुआ, हम लोग जहाँ भी रहें घर पर रहें और बाहर दाना पानी जरूर रखें, और इस तरह कार्यक्रम यहाँ के पौधे भी आप लोग ले जाएं, क्योंकि यहाँ हर तरह के पौधे हैं, और गौरैया के देखिए लिए हर तरह का पार्ट है। आप लगाएंगे घर पर गौरैया आएगी तो आपका मन भी प्रसन्न हो जाएगा। बहुत से लोग घर पर निराश बैठे रहते हैं, कहते मैं रिटायर हो गया हूँ क्या करूँ, लेकिन अगर पौधों से अगर आप जुड़ जाएंगे तो आपका स्वास्थ्य ऐसे ठीक होने लगेगा। जय हिंद, जय भारत।